Bismillahir Rahmanir Rahim, myself Etisham Hamid, and welcome to my YouTube channel Computernetic Zone for another exciting lecture. In today's lecture, I'll be discussing about Fundamentals of Computer, which is a chapter 1 of class 9th. इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की. इसके ऊपर ऑलरेडी मैं डिटेल वीडियो डाल चुका हूँ. यू कैन फाइंड दैट वीडियो इन डिस्क्रिप्शन सेक्शन ऑफ दिस लेक्चर. सो देर आर फाइव जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच आर एज अंडर. जो फर्स्ट जनरेशन है हमारे पास वो है जी वैक्यूम ट्यूब की. सेकेंड जनरेशन दैट वी हैव इज अ ट्रांजिस्टर एरा. थर्ड जनरेशन हमारे पास है वो है इंटीग्रेटेड सर्किट्स की, जिसको हम ICs भी कहते हैं. और फोर्थ जनरेशन हमारे पास है वो है माइक्रो प्रोसेसर्स की. और जो करंटली हमारे पास लेटेस्ट जनरेशन चल रही है फिफ्थ जनरेशन, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की. तो जो फर्स्ट जनरेशन थी हमारे पास वो स्टार्ट हुई जी 1946 से 1958, जिसको हम वैक्यूम ट्यूब भी कहते हैं. और वैक्यूम ट्यूब जो थी हमारे पास वो मेमोरी की सबसे बेसिक यूनिट थी फॉर CPU. और जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो बहुत ज़्यादा बड़े थे. वो इतने बड़े थे कि एक रूम, पूरा एक रूम की स्पेस वो ऑक्यूपाई करते थे. और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थे. और इसको सिर्फ जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन थी, वो इसको अफोर्ड कर सकती थी. ठीक है. और इसके अंदर हमारे पास जो सिस्टम थे वो थे प्रोसेसिंग सिस्टम्स, वो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम्स थे. और जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस थी इसके अंदर, वो मैग्नेटिक टेप और पेपर टेप जो थी वो यूज़ होती थी फॉर इनपुट एंड आउट पर्पस. और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इसके अंदर मशीन लैंग्वेज जो है वो यूज़ होती थी एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर दीज वैक्यूम ट्यूब्स. जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है हमारे पास INEC की इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर की, यूनिवैक, IBM 650 और IBM 701. ये हमारे पास तमाम फर्स्ट जनरेशन के सिस्टम्स थे. सेकेंड जनरेशन जो आपकी स्टार्ट होती है वो होती है 1959 से 1964 के दरमियान. और इस जनरेशन को हम ट्रांजिस्टर्स कहते हैं. और ट्रांजिस्टर जो है वो बेसिकली एक सेमी कंडक्टर डिवाइस है, जिसको बेल लैब ने 1947 के अंदर इन्वेंट किया था. और ये बहुत छोटे होते हैं, रिलायबल होते हैं और वैक्यूम ट्यूब से बहुत ज़्यादा फास्टर भी होते हैं. तो आप इसकी स्पीड का, इसकी रिलायबिलिटी का आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो वन ट्रांजिस्टर है आपका वो ऑलमोस्ट 40 वैक्यूम ट्यूब्स के इक्विवेलेंट होता है. इसकी रिप्लेसमेंट होती है, ठीक है, 40 वैक्यूम ट्यूब्स आपकी एक तरफ और आपका एक ट्रांजिस्टर एक तरफ. तो इसके अंदर जो हमारी लैंग्वेज यूज़ होती थी, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, वो असेंबली लैंग्वेज थी सेकेंड जनरेशन के अंदर. जो थर्ड जनरेशन थी हमारे पास वो है 1965 से 1970, जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी कहते हैं या ICs भी कहते हैं. और जो ICs होती है बेसिकली एक छोटी सिलिकॉन चिप होती है, जिसको आप सेमी कंडक्टर भी कहते हैं. और दिस इन्वेंटेड बाय द जैक कैल्बी ने इसको इन्वेंट किया था. और इसके अंदर ICs के अंदर बहुत सारे रेजिस्टर्स भी होते हैं, कैपेसिटर्स भी होते हैं और आपके ट्रांजिस्टर्स भी होते हैं. और जो साइज़ होता है इस जनरेशन के कंप्यूटर्स का, वो सेकेंड जनरेशन से थोड़ा छोटा होता है. ठीक है. और जो ICs होते हैं वो बेसिकली आपकी कॉस्ट को और आपके साइज़ को रिड्यूस करते हैं. तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, वो है जी इसके अंदर पास्कल है, कोबोल है, एल्गो 68 जो है उसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं थर्ड जनरेशन के अंदर. फोर्थ जनरेशन हमारे पास है जी वो बिलोंग करती है माइक्रो प्रोसेसर्स की. अब माइक्रो प्रोसेसर्स के अंदर आपके थाउजेंड्स ऑफ ICs होती हैं, जिसको एक ही सिलिकॉन चिप के अंदर बिल्ड इन किया जाता है. और जो इसकी इन्वेंशन है हमारे पास फेमस है, वो है जी आपके पर्सनल कंप्यूटर्स. और जो उसके सिस्टम्स हैं आपके पास इस जनरेशन के अंदर, वो पोर्टेबल हैं. पोर्टेबल से मुराद है कि आप इसको एक जगह से दूसरी जगह इसको ले जा सकते हैं. ठीक है. और ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं टू द कॉमन पीपल. तो इसी जनरेशन के कंप्यूटर्स के साथ आते ही आपकी जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस हैं, आपके विंडोज़ स्पेशली, वो इसी की इसको डेवलपमेंट हुई है. ठीक है. आपके माउस वगैरह जो हैं वो इसी जनरेशन के अंदर इन्वेंट हुए. और जो आपके स्मार्ट डिवाइसेस होती हैं, जो मैंने कहा कि जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं उसको आप लिंक करते हो इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क, वहाँ से आपकी इंटरनेट की जो है का वजूद जो है वो आया. और जो आपकी इंटरनेट है दैट इज़ ब्लेसिंग्स ऑफ द फोर्थ जनरेशन सिस्टम्स.
ये नेटवर्क। तो फिफ्थ वन जो अब करंटली हमारे पास है वो है जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब बात होती है तो वो रोबोटिक्स होते हैं और आपके पास इंटेलिजेंस सिस्टम्स होते हैं, और इसके लिए हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ होती है, वो होती है C++, सी लैंग्वेज जावा या सी शार्प जो है मोस्टली बिलोंग टू दिस जनरेशंस। और जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ हो रही है वो है जी ULSI, विच इज़ अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाते हैं जी आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स भी हैं, आपके लैपटॉप्स भी हैं, और आपकी नोटबुक्स भी इसके अंदर आती हैं। तो इसके अंदर हमने ये पढ़ा गया जो फर्स्ट जनरेशन थी उसके अंदर जो सिस्टम्स थे वो बहुत बड़े थे, ठीक है, एक 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 ऑलमोस्ट एक बड़े रूम जितने थे। तो फिर जैसे जैसे जनरेशंस आगे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती गई तो वो साइज़ जो था आपका वो रिड्यूस होता गया और आपकी जो एफिशिएंसी है सिस्टम्स की वो इंक्रीज़ होती गई। जो फर्स्ट था उसकी एफिशिएंसी कम थी, उस स्पेस और उसकी साइज़ ज़्यादा था। सेकंड जो है उसकी स्पेस थोड़ी और कम हुई और एफिशिएंसी थोड़ी इंक्रीज़ हुई। और देन थर्ड जनरेशन के अंदर वो साइज़ छोटा हुआ, और करंटली होते होते फिफ्थ जनरेशन में अभी आपके पास क्या है कि एक यू हैव कंप्यूटर ऑन योर हैंड्स। सो आपके पास लैपटॉप है, नोटबुक है, आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं। सो दीज आर ऑल फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर रोबोटिक्स वगैरह आपके हैं। तो उसके पास हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज़ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, दैट इज़ अ डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो मैंने इस चैनल के ऊपर डाल दिए ऑलरेडी, और वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन लिंक जो है वो चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। सो यू कैन फाइंड दैट लिंक एंड यू कैन सेपरेटली वॉच दैट वीडियो एज वेल। और टाइप्स की जब हम बात करेंगे जी, सबसे पहले हमारे पास है एनालॉग कंप्यूटर्स, नेक्स्ट वन वी हैव इज़ अ डिजिटल कंप्यूटर्स, और उसके बाद हमारे पास है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। सबसे पहले हम एनालॉग की बात करेंगे जी। एनालॉग जो है हमारे पास एक ऐसे सिस्टम्स होते हैं, ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो कि प्रोसेस और करते हैं आपकी कॉन्टीन्यूस डेटा को, और ये उस सिचुएशंस के लिए आपके फेवरेबल होते हैं जब आपका जो डेटा है उसको आप डायरेक्टली मेजर करें जाके विदाउट कन्वर्टिंग देम इनटू नंबर्स और कोड्स। तो जब एनालॉग डेटा है हमारे पास उसके अंदर टेम्परेचर है, प्रेशर है, वोल्टेजेस हैं, और ये कंप्यूटर्स क्या करते हैं, ये आपका डेटा जो है कॉन्टीन्यूसली लेते हैं और जो आपका रिजल्ट होता है वो एट द सेम टाइम प्रोड्यूस कर देते हैं। सो दीज आर वेरी वेरी स्पीडी कंप्यूटर्स। इसकी एग्जांपल में हमारे पास है जी मर्करी थर्मामीटर है, वोल्ट मीटर है और बैरोमीटर है। और ये आपकी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि दीज आर स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर्स। स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर से मुराद ये है कि जो कंप्यूटर्स हैं विच इज़ ओनली डिज़ाइन फॉर द स्पेसिफिक टास्क। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मर्करी थर्मामीटर है तो आप थर्मामीटर से जस्ट टेम्परेचर ही मेजर कर सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं मेजर कर सकते। वोल्ट मीटर से आप जस्ट वोल्टेज ही किसी डिवाइस के मेजर कर सकते हैं, इसके अलावा आप उससे कोई और काम नहीं ले सकते। सो इसी तरह से दीज एनालॉग कंप्यूटर्स आर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं वो आपके बेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टू मेजर बाइनरी नंबर्स आपकी जो हैं वो 0 and 1। सो 0 and 1 को ऐड करके, कंपैरिजन करके, इसको मैनिपुलेट करके आपके तमाम तरह ऑपरेशंस जो होते हैं, टास्क जो होते हैं, उनकी प्रोसेसिंग और उसके ऑपरेशंस का जो परफॉर्मेंस सारी है वो इन 0 and 1 के ऊपर रिलाई कर रही होती है इन डिजिटल कंप्यूटर्स। और इसके जो चार बुनियादी एलिमेंट्स हैं हमारे पास वह जी इनपुट आउटपुट है, आपकी डिवाइसेस होती हैं, आपकी मेन मेमोरी होती है, कंट्रोल यूनिट है, और जस्ट आपका लास्ट में ALU जिसको आप मैथमेटिक लॉजिक यूनिट भी कहते हैं। इसके अलावा जो आपकी मेन मेमोरी है और कंट्रोल यूनिट है और ALU जब आपस में मिल जाते हैं उसको हम CPU भी कहते हैं। तो हमारे पास की एग्जांपल्स हैं वो हैं जी माइक्रो प्रोसेसर्स की, मिनी कंप्यूटर्स की, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स। तो सबसे पहले हम इन तमाम तर जो सब टाइप्स हैं उसकी डिजिटल कंप्यूटर्स की उसको हम देखेंगे। सुपर कंप्यूटर में सबसे पहले जो आपके पास आते हैं सुपर कंप्यूटर्स हैं आपके पास, वो दीज आर मोर एक्सपेंसिव, लार्जेस्ट एंड पावरफुल कंप्यूटर्स, और ये आपकी रिसर्च और साइंटिफिक लेबॉरटरीज के अंदर यूज़ होते हैं। और इसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो होती है जी इन TIPs। TIPs से मुराद है ट्रिलियन बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, यानी एक सेकंड के अंदर आपके ट्रिलियंस या बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को या लाइन ऑफ कोड को ये हैंडल करता है। सो यू कैन इमेजिन दैट हाउ एफिशिएंट एंड पावरफुल दैट कैन इट बी। और इसके अलावा हमारे पास ये वेदर फोरकास्टिंग के लिए वर्ल्ड वाइड जो है सुपर कंप्यूटर यूज़ होते हैं। और जो कोलंबिया सॉफ्टवेयर सुपर कंप्यूटर है हमारे पास
वो फेमस सुपर कंप्यूटर है, दैट इज लोकेटेड एट नासा एम्स रिसर्च सेंटर यूएसए, विच इज यूज फॉर रिसर्च स्पेस रिसर्च पर्पजेज। नेक्स्ट वन वी हैव इज अ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं हमारे पास, वो सुपर कंप्यूटर के पास सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव, लार्जेस्ट और क्विकेस्ट होते हैं, और ये लार्ज कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन और फैक्ट्रीज इसको यूज़ करती हैं। और इसके अलावा इसकी जो प्रोसेसिंग है वो है जी BIPs होती है, दैट इज बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। और इसकी जो स्पीड है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की, वो मेजर होती है इन द फॉर्म ऑफ नैनो सेकेंड्स। मिनी कंप्यूटर्स को हम मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं, ठीक है, इट इज़ बिकॉज इट इज़ एन इंटरमीडिएट बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर एंड अ मेन फ्रेम। और दीज आर वेरी दीज आर स्मॉलर देन मेन फ्रेम, बोथ इन साइज, स्टोरेज एंड स्पीड। तो इसकी जो स्पीड होती है मिनी कंप्यूटर्स की, वो होती है जो 150 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड के अंदर ये 150 मिलियन लाइन्स ऑफ कोड या इंस्ट्रक्शन को हैंडल करता है। और इट इज़ मोस्टली प्रेफर्ड बाई द स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेज और सच ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट वन वी हैव इज माइक्रो प्रोसेसर्स। तो माइक्रो के अंदर जो हमारी सबसे जो स्मॉलेस्ट ऑफ रेंज होती है, दीज आर ऑल माइक्रो कंप्यूटर्स दैट वर इंट्रोड्यूस इन अर्ली 70s। और ये लेस कॉस्टली होते हैं और स्मॉलेस्ट इन साइज होते हैं, और ये मोस्ट पॉपुलर हैं। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास डेस्कटॉप है, नोटबुक कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप और पॉम टॉप कंप्यूटर्स। तो पॉम टॉप कंप्यूटर्स आर योर स्मार्टफोन्स, और ये स्मार्टफोन्स है, इसको हम पॉम टॉप भी कहते हैं। और नेक्स्ट वन वी हैव इज टाइप जो हमारे पास है वो जी हाइब्रिड की। हाइब्रिड इज अ कम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एनालॉग। आपके पास बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आएंगी जहाँ पे आप कुछ हिस्सा एनालॉग का यूज़ करोगे और कुछ हिस्सा आप डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे। तो जब आप इन दोनों टेक्नोलॉजीज को कंबाइन यूज़ करते हैं तो उसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर्स कहते हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या करते हैं, ये एनालॉग सिग्नल्स को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, फिर एनालॉग सिग्नल्स को ये कन्वर्ट करते हैं डिजिटल की फॉर्म में, और फिर इसको प्रोसेस करते हैं वो भी इन डिजिटल की फॉर्म में करते हैं। और ये मोस्टली यूज़ होते हैं या आपके पास साइंटिफिक एप्लीकेशन के अंदर या रोबोटिक्स के अंदर यूज़ होते हैं। आपने हॉस्पिटल्स के अंदर आप जाएँ तो वहाँ पर पेशेंट मॉनिटरिंग या स्पेशली इन ICUs, तो वहाँ पर पेशेंट्स की जो हार्ट बीट वगैरह के सॉफ्टवेयर लगे होते हैं, मशीन्स होती हैं, पल्स रेट होता है, ब्रीदिंग होती है, ब्रेन एक्टिविटी जो आप वो मेजर कर रहे होते हैं, तो वो तमाम तर जो आप कंप्यूटर्स वहाँ पे आप देख रहे होंगे मशीन्स होती हैं, वो दीज आर ऑल द कम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एनालॉग, जिसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर्स भी कहते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर के ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको इसी ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। और इसके अलावा आप इसको यूट्यूब चैनल पर भी मेरे यूट्यूब चैनल पर भी सर्च कर सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस हमारे पास एक ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कि अलाउ करता है यूजर्स को, सो दे कैन इंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। आपके पास वो डिवाइसेस जिसकी मदद से यूज़र डेटा इंटर करता है या इंस्ट्रक्शंस भेजता है कंप्यूटर को, उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। हमारे पास कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन, लाइट पेन, स्कैनर, बार कोड रीडर, दीज आर ऑल इनपुट डिवाइसेस। तो कीबोर्ड के अंदर जी आपके पास क्या है, बेसिकली कीज़ होती हैं जो कि यूज़र को अलाउ करती हैं कि वो कोई डेटा इंटर करे और वो डेटा फिर कंप्यूटर की तरफ जाए। तो एक कीबोर्ड के ऊपर 104 कीज़ होती हैं जिसको हम फर्दर टाइप्स में डिवाइड करते हैं, लाइक अल्फा न्यूमेरिक कीज़, ABC या 1 to 9 जो आपकी कीज़ होती हैं, दीज आर ऑल अल्फा न्यूमेरिक कीज़। लॉक कीज़ आप हमारे पास 3 होती हैं, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक। डायरेक्शन कीज़ आपके पास 4 होती हैं, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। और फंक्शन कीज़ हमारे पास होती हैं वो 12 होती हैं, जो कि F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 एंड F12। जो कीज़ आपको F की सीक्वेंस में नज़र आ रही होती हैं, इसको हम फंक्शन कीज़ भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी वो माउस है। माउस क्या है जी, हमारे पास एक पॉइंटिंग डिवाइस है बेसिकली, और इसको हम जब डिवाइड करेंगे जी, सबसे पहले हमारे पास मैकेनिकल माउस है। मैकेनिकल माउस में क्या है, रबर बार होती है, आप ये राइट साइड पर देख सकते हैं, सर्कल के अंदर रबर बार होती है, इसकी वजह से क्या होता है, माउस की जो मूवमेंट होती है, कर्सर की जो मूवमेंट होती है, वो इसी की वजह से होती है। नेक्स्ट वन जो हमारे पास है जी, वो है जी ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस क्या करता है, ये एमिट करता है और लाइट को सेंस करता है, डिटेक्ट करता है, ठीक है, सो फॉर दी मूवमेंट, माउस की जो मूवमेंट्स होती हैं वो एक लाइट के ऊपर उसके सेंसेस होते हैं इसके अंदर, और इसी की वजह से इसको ये
इसकी मूवमेंट होती है। नेक्स्ट वन ये जो थर्ड आपको नज़र आ रहा होगा ये जी कॉर्डलेस, और इसके साथ आपको ये छोटी सी यूएसबी भी नज़र आ रही होगी। और ये कॉर्डलेस जो माउस होते हैं ये बेसिकली वायरलेस माउस होते हैं, ठीक है। और ये जो इसकी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो वायरलेस टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर रेडियो वेव्स या इंफ्रारेड वेव्स होती हैं वो यूज़ होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इज़ अ वर्टिकल लीवर, आपके पास इनपुट डिवाइस है जिसके अंदर वर्टिकल लीवर होता है और इसके ऊपर एक बटन होता है, इसको हम कहते हैं ट्रिगर्स। तो जैसे ही आप ट्रिगर को प्रेस करेंगे तो एक इवेंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो जॉयस्टिक्स होती हैं मोस्टली यूज इन द वीडियो गेम्स या कंप्यूटर गेम्स के अंदर। नेक्स्ट वन वी हैव द स्कैनर। स्कैनर बेसिकली क्या है, एक लाइट सेंसिंग इनपुट डिवाइस है, जो आपका प्रिंटेड टेक्स होता है या जो भी ग्राफिक्स हैं, इमेजेस हैं, कुछ भी है, ठीक है, उसको ये डिजिटल फॉर्म के ऊपर कन्वर्ट करता है। इसकी जो रेजोल्यूशन होती है, इसकी जो क्वालिटी होती है वो डिपेंड करती है जी कलर टाइप के ऊपर और उसकी रेजोल्यूशन के ऊपर, और किस लिए यूज़ होता है, फॉर इमेज प्रोसेसिंग। और इसी के अंदर एक ओसी और सॉफ्टवेयर भी होता है, ठीक है, जो कि इमेज ऑफ टेक्स्ट को क्या करता है, इनटू टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट वन वी हैव इज अ बार कोड। बार कोड रीडर आपने बहुत सारी शॉप्स के ऊपर देखा होगा, स्टोर्स के ऊपर देखा होगा आपने, फार्मेसी शॉप्स के ऊपर देखा होगा, ठीक है, और या बड़े बड़े मॉल्स के अंदर आपने देखा होगा कि ये क्या करते हैं, बेसिकली आपकी लेज़र बीम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और आपके कोड्स को जो प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रिंटेड होते हैं उसको ये क्या करते हैं, रीड करते हैं। और जैसे ही वो रीड करेंगे तो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, ये प्रोडक्ट का नाम, उसकी प्राइस, उसका मैन्युफैक्चर कंपनी, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आ जाती है। और ये जो बेसिकली कहाँ पे यूज़ होता है जी, इन सुपर मार्केट्स या स्टोर्स वगैरह के अंदर। नेक्स्ट वन वी हैव द माइक्रोफोन। माइक्रोफोन्स को फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया था जी एम्ले ने इन 1877, और ये वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट वन वी हैव इज अ सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट के ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो डाल चुका हूँ अलग से, आप उसको देख सकते हैं माई यूट्यूब चैनल एंड एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। सिस्टम यूनिट बेसिकली क्या है, आपके पास रेक्टेंगुलर केस है जिसके अंदर आपके तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो इसके अंदर फिट हो जाते हैं। और इसके जो कंपोनेंट्स जो फिट होते हैं हमारे पास है जी मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है, कंट्रोल यूनिट है, ALU एंड रजिस्टर्स हैं। तो मदरबोर्ड को हम सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं, और आपके सिस्टम यूनिट का जो मेन सर्किट है वो मदरबोर्ड ही होता है, ठीक है। तो जो आपके पास डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं, उसको आपस में जो कनेक्ट करने का काम करता है वो आपका मदरबोर्ड करता है। तो जो कंपोनेंट्स हैं जो हार्डवेयर की वो हैं जी हमारे पास इसके मदरबोर्ड के जो कंपोनेंट्स हैं वो एक्सपेंशन स्लॉट, कैपेसिटर्स हैं, मेमोरी स्लॉट है, बायोस है, आपके पास स्क्रू होल है, सीरीटी कनेक्टर्स हैं, सिस्टम पैनल्स कनेक्टर्स हैं, हीट सिंक है, इंडक्टर, रेट, सुपर इनपुट आउटपुट, नॉर्थ ब्रिज, आपके पास USB हेडर और जंपर्स। तो ये तमाम तरह हमारे पास क्या है, कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं या मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स हैं। तो ये इन तमाम तरह कंपोनेंट्स को जब आपस में कनेक्ट करेगा, ठीक है, तमाम तरह को वो करेगा ये आपका मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड के तीन टाइप्स हैं हमारे पास, ATE मदरबोर्ड है इसको एडवांस टेक्नोलॉजी मदरबोर्ड भी कहते हैं, ATX है इसको हम एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन मदरबोर्ड भी कहते हैं, और LPX हमारे पास जो है वो लो प्रोफाइल एक्सटेंडेड मदरबोर्ड है। थर्ड वन हमारे पास है जी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है जी, आपके जितने भी कंप्यूटर के ऑपरेशन होते हैं वो सारे के सारे कंट्रोल होते हैं, रेगुलेट होते हैं कंट्रोल यूनिट के अंदर। और जो आपको डेटा ट्रांसफ़र होता है CPU, वो आपका जो कंट्रोल होता है उसका कंट्रोल यूनिट के अंदर होता है। और जैसे ही हर एक इंस्ट्रक्शन आती है उसको उसके ऊपर कंट्रोल यूनिट चार बुनियादी फंक्शन जो है वो ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करता है, जिसको हम मशीन साइकिल या इंस्ट्रक्शन साइकिल भी कहते हैं। तो इंस्ट्रक्शन क्या होती है, सबसे पहले वो इंस्ट्रक्शन को लेके आएगा, फैच करेगा, फिर इसको किसी फॉर्म में डिकोड करेगा और फिर उसका एड्रेस लेगा मेमोरी से, एंड देन एट द एंड इट विल एग्जीक्यूट दैट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट वन वी हैव इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है जी, हमारे पास एक डिजिटल सर्किट है जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस में हमारे पास आ जाता है जनाब आपके मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, और लॉजिकल ऑपरेशंस हमारे पास हैं दीज आर मोस्टली योर एंड गेट, नैंड गेट और एक्सेट्रा, दीज आर ऑल ऑपरेशंस जो आपके गेट्स के ऑपरेशंस होते हैं, इसको हम लॉजिकल ऑपरेशंस भी कहते हैं। तो अगर आप कोई भी इस तरह की फंक्शंस परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर्स के अंदर तो वो आपके ALU के अंदर क्या होते हैं, परफॉर्म हो रहे होते हैं। नेक्स्ट वन वी हैव इज रजिस्टर्स। रजिस्टर्स जो हैं ये आपके पास हाई स्पीड टेम्प्रेरी स्टोरेज लोकेशंस होती हैं, जिसको हम डेटा को होल्ड या इंस्ट्रक्शंस करने के लिए यूज़ करते हैं।
और टाइप से हमारे पास सबसे पहली जो टाइप है वो है जी इनपुट रजिस्टर्स की। ये इनपुट करेक्टर्स जो भी यूज़र को इनपुट करेगा उसको स्टोर करता है। ओ आर स्टैंड्स फॉर आउटपुट रजिस्टर्स, ये आपकी जो आउटपुट होती है उसको स्टोर करता है जब आपकी इनपुट जो है वो प्रोसेसिंग होती है, और इसके प्रोसेसिंग के बाद आपको एक आउटपुट जनरेट होती है बेस्ड ऑन योर इनपुट। सो उस आउटपुट को जो स्टोर करता है वो आपको आउटपुट रजिस्टर करता है। नेक्स्ट वन वी हैव इज़ अ मार, दैट इज़ अ मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये आपके पास 12-bit रजिस्टर्स होते हैं और ये क्या करते हैं, ये आपकी जो मेमोरी लोकेशन है उसका एड्रेस को स्टोर करते हैं। एम डी आर इज़ अ मेमोरी डेटा रजिस्टर्स, जो आपके नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स यूज हो रहे होते हैं इन एम डी आर, वो आपके एम डी आर के अंदर स्टोर होते हैं। नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स इन योर कंप्यूटर इज स्टोर इन एम डी आर। नेक्स्ट वन वी हैव इज़ अ पी सी, दैट इज़ अ प्रोग्राम काउंटर। ये 12-bit रजिस्टर है हमारे पास और ये इट होल्ड्स एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम मेमोरी आफ्टर करंट इंस्ट्रक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। यानी वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो फर्स्ट सपोज देयर आर टू इंस्ट्रक्शंस आपके पास, इंस्ट्रक्शन ए और बी है, तो इंस्ट्रक्शन ए ऑलरेडी क्या है वो इसके इसके ऊपर एग्जीक्यूट हो रही है और बी आपके पास पीछे क्या है वेटिंग में। तो ये क्या करेगा, ये एड्रेस स्टोर करेगा बी का, ठीक है, जिसको अभी एग्जीक्यूट होना है। जैसे ही वो फर्स्ट वन वाली एग्जीक्यूट होगी तो फिर बी वाली जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। जो बी वेटिंग वाली होती है उसका एड्रेस को स्टोर करता है आपका प्रोग्राम काउंटर। स्टोरेज डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस हमारे पास ऐसी मीडिया डिवाइसेस हैं जिसके ऊपर आप इंस्ट्रक्शंस, डेटा या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। और हमारे पास जो टाइप्स हैं स्टोरेज डिवाइसेस की, वो हार्ड डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, मेमोरी कार्ड और यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स हैं। तो स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर भी मैं आपकी वीडियो बना चुका हूँ, एक सेपरेट वीडियो, यू कैन फाइंड दैट वीडियो इन डिस्क्रिप्शन और एज वेल एज इन दी दिस चैनल, आप वहाँ से इसको वीडियो को देख सकते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टोरेज डिवाइस है वो है जी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क हमारे पास क्या है जी, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है। और नॉन वोलेटाइल मीन्स कि वो डेटा जो है वो आपका तब तक रिटेन होगा जब तक आपका कंप्यूटर जो है वो टर्न ऑफ नहीं जाता। इट इज़ आल्सो नोन एज अ हार्ड ड्राइव। और इस आपने हार्ड डिस्क के ऊपर क्या देखा होगा, इन फ्लेक्सिबल सर्किट डिस्क होती है, इसको हम प्लेटर्स कहते हैं। और इसके ऊपर क्या है, ये आइटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड होते हैं। और हार्ड डिस्क आपकी जो लोकेट होती है जी सिस्टम यूनिट के अंदर, मोस्टली लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, और ये पोर्टेबल नहीं होती क्योंकि ये फिक्स्ड सील होती है और इसको आपने डस्ट या स्मोक पार्टिकल से बचा के रखना होता है। बिकॉज अगर आप इसको बचाएंगे नहीं तो फिर आपकी हार्ड ड्राइव जो है वो क्रैश होने का ख़तरा होता है। नेक्स्ट वन वी हैव इज अ कॉम्पैक्ट डिस्क, इसको हम सीडी भी कहते हैं। ये फ्लैट होती है, राउंड होती है, पोर्टेबल स्टोरेज मीडियम होता है, ठीक है, इसके ऊपर आप रिकॉर्ड करते हो, स्टोर करते हो कोई भी डेटा या ऑडियो वीडियो कुछ भी प्ले करते हो। और इसे 4.57 इंचेस इन डायमीटर एंड लेस देन 1/12 ऑफ द इंच थिक। और इसके अंदर जो डेटा आपका स्टोर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं लेजर बीम टेक्नोलॉजी की मदद से आपका जो आइटम है स्टोर होते हैं इन दी सीडी। नेक्स्ट वन वी हैव द मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड या स्मॉल साइज मेमोरी स्टोरेज मीडियम है और इसकी जो इन्फॉर्मेशन आती है जी, ठीक है, कोई भी मेमोरी कार्ड को आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आप उसको थ्रू कार्ड रीडर जो है वो देखेंगे। और कार्ड रीडर की मदद से आप मेमोरी कार्ड को कोई भी डेटा रीड कर सकते हैं, ठीक है, उसको आप उसके कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। और ये मोस्टली यूज़ होता है ये डिजिटल कैमरा के अंदर होता है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स के अंदर होता है, लैपटॉप्स के अंदर होता है और MP3 प्लेयर्स के अंदर होता है। USB फ्लैश ड्राइव्स। USB हमारे पास एक फ्लैश मेमोरी डेटा स्टोरेज मीडियम है और इसको को इन्वेंट इस्टेब्लिश किया था अजय भट्ट ने, विच वॉज अ कंप्यूटर आर्किटेक्ट। और USB जो है ये रिमूवेबल भी है और राइटेबल भी है। आप इसको कोई भी इसके ऊपर फाइल आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी फाइल आप नहीं ऐड कर सकते हैं, इसको रीराइट कर सकते हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, वह जी स्पोर्ट शॉर्ट स्वैपिंग होती है। बिकॉज इट अलाउज अ डिवाइस टू बी रिमूव और रिप्लेस विदाउट अ पास्ट रिक्विजिट ऑफ रीबूटिंग और इंटरप्टिंग द सिस्टम। यानी वो आप USB को इजीली रिमूव भी कर सकते हैं अपनी डिवाइस से या इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपको सिस्टम को रीबूट करने की या सिस्टम को इंटरप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिस USB उतारें और उसको ले जाएं, ठीक है। नेक्स्ट वन वी हैव इज़ आउटपुट डिवाइसेज। आउटपुट डिवाइसेज के ऊपर मैं एक वीडियो डिटेल में डाल चुका हूँ, आप देख सकते हैं इन माई यूट्यूब चैनल। उसके अंदर ऐसे है कि आउटपुट डिवाइस इज़ अ हार्डवेयर कंपोनेंट जो कि इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है, ठीक है। वो डिवाइसेस
जो आपके रिजल्ट को या आउटपुट को शो करती हैं, आपको डिस्प्ले करती हैं, ठीक है। जब आपका कोई यूज़र एक इनपुट प्रोसेसिंग के बाद आपको कोई रिजल्ट आता है, जब उस रिजल्ट को जब आप किसी डिवाइस के ऊपर शो करते हैं, उसको हम आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं। जैसे हमारे पास मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर, ऑडियो वीडियो आउटपुट है, और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स हैं हमारे पास। मॉनिटर, मॉनिटर को हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, और दैट इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले इमेजेस एंड टेक्स्ट। और ये जो इमेजेस होते हैं, ये टाइनी डॉट डॉट से बनते हैं, विच इज़ कॉल्ड पिक्सल्स। और जो इमेज की शार्पनेस है, दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पिक्सल्स। और जो क्वालिटी है ऑफ द मॉनिटर डिपेंड्स अपॉन इट्स रेजोल्यूशन, डॉट पिच एंड रिफ्रेश रेट। और जो आपकी डॉट पिच रेंज है, दैट इज़ 0.2 mm to 0.39 mm। तो हमारे पास जो रेजोल्यूशन है ऑफ द मॉनिटर, दैट इज डिपेंड्स अपॉन द शार्पनेस एंड क्लियरनेस ऑफ द इमेज, जिसको हम मोस्टली एक्सप्रेस करते हैं इन DPI, दैट स्टैंड्स फॉर डॉट पर इंच। तो मॉडर्न मॉनिटर्स हैं आपके पास, वो 1024 × 768 pixels तक भी आ चुके हैं। अब प्रिंटर्स हमारे पास ये एक आउटपुट डिवाइस है, जो कि टेक्स ये ग्राफिक्स को फिजिकल मीडियम किसी पेपर के ऊपर क्या करेगा, इसको रिजल्ट करेगा, इसको प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम प्रिंटर कहते हैं। और जो प्रिंटिंग प्रिंटेड इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। तो प्रिंटिंग स्पीड इज़ मेजर्ड इन पेजेस पर मिनट, PPM इसको हम कहते हैं। अगर सपोज एक प्रिंटर एक मिनट के अंदर 50 पेजेस प्रिंट कर रहा है मैक्सिमम, तो उसको इसकी स्पीड होगी वो 50 PPM होगी। और इसकी रेजोल्यूशन है, दैट इज डिपेंड्स इन DPI, इसको हम डॉट पर इंच भी कहते हैं। और इसको हम ग्रुप करते हैं जी दो तरह के टाइप्स के अंदर, जिसको हम इम्पैक्ट या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स भी कहते हैं। प्लॉटर, प्लॉटर हमारे पास एक कम्प्लेक्स प्रिंटर है, जो कि हाई क्वालिटी लार्ज ड्राइंग्स के लिए यूज़ होता है। यू कैन ड्रॉ द ड्राइंग्स अप टू 60 inches। और इसकी जो टाइप्स हैं हमारे पास, वो जी पेन प्लॉटर है, ये वेक्टर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए होता है, ड्राइंग के लिए होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होते हैं वो क्या है जी, ये रास्टर इमेज प्रोड्यूस करते हैं बाय चार्जिंग पेपर विद अ हाई वोल्टेज। और इसकी जो क्वालिटी होती है वो एज़ कम्पेयर टू पेन प्लॉटर काफ़ी लो होती है। मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया आपका एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से आप इमेजेस को लिख सकते हैं फ्रॉम कंप्यूटर, और उसको आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं किसी भी बड़ी स्क्रीन के ऊपर। फॉर क्यों किया जाता है, सो दैट कैन पीपल कैन सी द क्लियर इमेज। उसका जो पर्पज़ है हमारे पास, वो सबसे पहले ये है कि आप एक रिप्रेजेंट करें पावरफुल पावर पॉइंट स्लाइड्स को, शोज़ को, DVDs, वीडियो गेम्स वगैरह को। इसका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्पज़ है जी, टू इन्फॉर्म स्पेशली इन एक्सपोज के अंदर, टू परसुएट इन बिजनेस। बिजनेस के अंदर अब क्या होते हैं, आप परसुएट कर रहे होते हैं, सो यू कैन थ्रू प्रोजेक्ट मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स यू कैन डिस्प्ले द इन्फॉर्मेशन टू परसुएट समवन, टू ट्रेन स्पेशली इन द वर्कशॉप्स, और टू एजुकेट इन क्लासेस। जो यूनिवर्सिटी स्कूल और कॉलेजेस के अंदर आपकी प्रोजेक्टर यूज होता है, विच इज़ यूज फॉर द एजुकेशन पर्पजेज। रैम एंड रोम, रैम जो आपके इसको हम कहते हैं जी रैंडम एक्सेस मेमरी, और रोम को हम रीड ओनली मेमरी भी कहते हैं। रैम आपके पास एक वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है, दैट मीन्स इन्फॉर्मेशन विल लॉस्ट एज लॉन्ग एज कंप्यूटर ऑन। तो रैम के अंदर क्या होता है, जैसे ही आप कंप्यूटर ऑफ करेंगे, आपका डाटा जो है वो सारा का सारा मेमोरी से चला जाएगा। सो इट इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी। जो आपकी रोम होती है, इसके अंदर आपकी सिस्टम की फाइल होती हैं, विंडोज़ की फाइल होती हैं, और इसको आप सिस्टम को ऑन करें या ऑफ करें, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो रैम का डेटा होता है, ठीक है, हमने पहले कहा रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जो इसका डेटा फिर इसको आप रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो। जो रोम होता है, इसका डेटा सिर्फ आप इसको रीड कर सकते हैं। आपके पास जो विंडोज़ फाइल होती हैं, विंडो फाइल्स को आप एडिट नहीं कर सकते। जो रैम स्पीड होती है वेरी हाई एंड रोम स्पीड इज स्लो एज कम्पेयर टू द रैम। रैम जो होती है हमारे पास, इट यूज एज CPU कैशे इन प्राइमरी मेमरी। जो रोम होती है हमारे पास, वो फर्मवेयर बाइक्रो माइक्रो कंट्रोलर्स होती है। रैम इज आपके पास जो महंगी होती है, और रोम इज़ चीप और सस्ती होती है। तो रैम टाइप्स हमारे पास हैं जी, वो है डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम होती है। जो रोम टाइप्स हमारे पास हैं, वो है PROM, EPROM एंड EEPROM। ये दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम। तो नेक्स्ट टाइप का जी हमारे पास, वो है जी कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, यू कैन वॉच दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो एंड एज वेल एज इन द माई यूट्यूब चैनल। तो हमारे पास जो कैशे मेमोरी है, इट इज़ अ फास्ट मेमोरी टाइप, इट एज अ बफर बिटवीन रैम एंड CPU। जो रैम और CPU के दरमियान जो बफर का काम करती है हमारे पास, उसको हम कैशे मेमोरी
कहते हैं, कैशे मेमोरी स्टैटिक रैम बेसिकली, जिसको आप एस रैम भी कहते हो। इसका मतलब ये है कि दैट स्टैटिक रैम इज़ अ वन दैट टाइप दैट होल्ड द डेटा विदाउट नीडिंग टू बी कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश। उसको आप रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, आपका डेटा क्या है वो कंटिन्यूसली वहाँ पे स्टोर या होल्ड हो जाता है। वाई कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी को हम क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज इट इज़ यूज टू रिड्यूस द एवरेज टाइम टू एक्सेस डेटा फ्रॉम द मेन मेमरी। और टाइप्स ऑफ कैशे में हमारे पास तीन टाइप्स है इसकी, L1, L2, L3, और बेस्ड ऑन CPU आर्किटेक्चर। L1 कैशे जो है इज ऑलरेडी बिल्ट इन टू द प्रोसेसर चिप, तो उसके अंदर ये क्या होती है जो आपकी सिस्टम के क्लोज होती है। एक्सेस टाइम जो है इसका फास्टेस्ट होता है। साइज रेंज होता है इसकी वो 8 KB से 64 KB होती है। तो L1 कैशे को हम स्प्लिट करते हैं दो हिस्सों के अंदर। पहला ऐसा है तो इसको हम कहते हैं जी इंस्ट्रक्शन कैशे, और दूसरे को हम कहते हैं डेटा कैशे। तो इंस्ट्रक्शन कैशे है वो हमारे पास उस इंफॉर्मेशन को देता है जो कि CPU ने परफॉर्म मस्ट करनी ही करनी है। और डेटा जो इंस्ट्रक्शन कैशे है, ठीक है, जिसके ऊपर आपके ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे किसी डेटा के ऊपर, वो डेटा कैशे के अंदर स्टोर होता है। L2 कैशे जी आपके पास L1 कैशे से स्लोअर है, और इसका जो साइज़ है वो L1 से बड़ा है। इसकी जो साइज रेंज है वो 256 KB से 8 MB के दरमियान होती है। और L2 कैशे होल्ड्स द डेटा दैट इज लाइकली टू बी एक्सेस बाय द CPU नेक्स्ट। L3 कैशे हमारे पास सबसे स्लोएस्ट होती है और सबसे बिगेस्ट साइज होती है अमंग ऑल कैशेज, और इसकी जो साइज रेंज है वो 4 MB से 50 MB के दरमियान होता है। तो आप ये डायग्राम के अंदर देखें, सबसे पहले हमारे पास है जी CPU। अब CPU के सबसे करीब तरीन जो है आपके पास है वो L1 कैशे है, ठीक है। तो जब ये इसके करीब तरीन है तो इसका एक्सेस टाइम क्या होगा, बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। तो उससे थोड़ा सा दूर आपके पास L2 कैशे है। L2 कैशे आप देख सकते हैं कि L1 कैशे से इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, लेकिन इसका एक्सेस टाइम जो है वो थोड़ा सा कम होगा एज़ कम्पेयर टू L1 कैशे, सॉरी ज़्यादा होगा। L1 कैशे का एक्सेस टाइम क्या है, सबसे कम है, ये जल्दी से अपना काम कर लेगा, और ये L2 कैशे है ये थोड़ा सा टाइम लेगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी वह जी L3 कैशे। L3 कैशे इज़ अ लेस फास्ट एज़ कम्पेयर टू L2 कैशे, और इसका साइज़ जो है वो साइज़ जो है वो L2 से बड़ा है। तो मेन मेमोरी नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है। तो हमने ये पढ़ा कि जो L1, L2, L3 कैशे है, L1 इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल साइज बट इज़ द फास्टेस्ट वन, L2 इज़ लार्जर देन बिगर देन L1 बट इट इज़ लेस फास्ट एज कम्पेयर टू L1। और जो आपके पास L3 होता है ये सबसे अमंग कैशेज का साइज सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन ये सबसे स्लोएस्ट होता है अमंग ऑल कैशेज। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या है, ये वो प्रोग्राम्स हैं जिसकी मदद से आप कोई भी सिस्टम के जो ऑपरेशंस होते हैं उसको आप कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हो और उसके डिवाइसेस को कंट्रोल करते हो। तो आप ये भी कह सकते हैं कि यार इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र एंड हार्डवेयर। इसकी जो हमारे पास टाइप्स होती हैं, हमारे पास वो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ है, लिनक्स, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज़ का वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। डिवाइस ड्राइवर्स हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जब हम बात करेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है जो कि आपके सिस्टम या कंप्यूटर के ऊपर रन होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये आपके बुनियादी जो इसके टास्क हैं वो क्या है जी, टू रिकॉग्नाइज इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। आप जो भी कीबोर्ड से इनपुट देंगे वो सारी की सारी यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। आपकी जितनी फाइल्स होती हैं वो सारी की सारी ट्रैकिंग जो होती है उसकी, कौन सी फाइल कहाँ पे पड़ी है, सी में पड़ी है, डी में पड़ी है, ई में पड़ी है, डेस्कटॉप पे पड़ी है, माई कंप्यूटर के अंदर पड़ी है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर पड़ी है, रिसाइकलिंग बिन में पड़ी है, कहाँ पड़ी है, उसको ट्रैक करना जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। इसके अलावा जब आप ये इनपुट आप देते हैं उसके अगेंस्ट कोई भी जब प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट आती है, उस आउटपुट को स्क्रीन के ऊपर, मॉनिटर के ऊपर या किसी भी हार्ड आउटपुट डिवाइस के ऊपर डिस्प्ले करना इज आल्सो द रोल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स। उसके बाद क्या है जी, ये डिफरेंट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है जो कि आपके पास है, सपोज डिस्क ड्राइव है या प्रिंटर्स है, उसको ये कंट्रोल करता है। तो हमारे पास इसकी एग्जांपल्स है जी, वो हैं जी विंडोज़ है, लिनक्स है या मैक आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है जी वो है डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स आपके क्या करते हैं, आपकी उन डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं जो कि आपके कंप्यूटर के साथ अटैच होती हैं, और उस डिवाइसेस में आपके पास ये मॉनिटर होगा, प्रिंटर होगा, CD-ROM होगा। तो आप
क्या है कि जब पहले क्या था कि आप जब भी विंडो नहीं डालते थे, ठीक है, तो आपने साथ डिवाइसेस की सीडी होती थी आपके पास, जब आप ड्राइवर्स की, तो जैसे ही आप वो सीडी से आपके ड्राइवर्स इंस्टॉल करते थे तो आपके बहुत सारे ड्राइवर्स सिस्टम में आ जाते थे और जिसके से आपकी इन डिवाइसेज जो हैं उसके साथ आप कनेक्ट हो जाते थे। अब मॉडर्न क्या है, मॉडर्न जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होने शुरू हुई है तो जो आपके ड्राइवर्स हैं वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं ऑन टू द प्रोडक्ट, ठीक है, कि विंडोज़ के साथ ही वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर आपने कोई विंडो नहीं की है या आपने कोई ऐसी डिवाइस नहीं ऐड की है जिसको आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो नहीं उसको पिक कर रहा, तो फिर उसके लिए क्या है कि आपको इंटरनेट से या आपको सीडी से आपको वो डिवाइस ड्राइवर चाहिए होंगे, और फिर जब आप ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे तो वो फिर आपकी जो कोई भी नई ऐड आपने डिवाइस की है उसको वो रिकनाइज कर देगा। यूटिलिटी प्रोग्राम्स हमारे पास वो प्रोग्राम्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं रिलेटेड टू द रिसोर्स मैनेजमेंट ऑपरेशंस फाइल एंड मेमोरी मैनेजमेंट ऑफ द कंप्यूटर्स, ठीक है। और इसके हमारे पास फ्यू एग्जांपल्स हैं, वो हैं जी हमारे पास वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर हैं, विंडो वेंडर है आपके पास, AVG है, इस तरह के डिफरेंट आपके पास वायरसेज होते हैं, स्कैनिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। हमारे पास स्कैन डिस्क होते हैं, ठीक है, जिसको आप सी क्लीनर भी कहते हैं, आप अक्सर देखा होगा। डिस्क डिफ्रेजमेंटर है, आप सपोज आपके पास सी ड्राइव है और आपने इसको डी और ई में कन्वर्ट करना है या इसको डिवाइड करना है तो आप डिस्क डिफ्रेजमेंटर के साथ कर सकते हो, और इसको हम यूटिलिटी प्रोग्राम्स भी कहते हैं। इसके अलावा आपके पास बैकअप सॉफ्टवेयर भी ऐसे होते हैं, आपके बहुत सारे काम ऐसे होते हैं ठीक है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि अगर इनकेस आपका प्राइमरी डेटा है सर्वर के अंदर आ रहा है तो आप क्या करते हो उसके साथ एक सेकेंडरी सर्वर भी रखते हो ताकि आपका प्राइमरी में कोई इशू आ जाए तो फिर आप उसको सेकेंडरी में कन्वर्ट करो। हमारे पास जो नेक्स्ट है जी वो है जी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपके पास वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसकी मदद से आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सोर्स कोड है उसको मशीन कोड के अंदर या ऑब्जेक्ट कोड के अंदर क्या करते हो उसको आप कन्वर्ट करते हो। हमारे पास तीन तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं। सबसे पहले जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है हमारे पास वो है जी कंपाइलर्स। कंपाइलर बेसिकली क्या करता है, आपका हाई लेवल जो लैंग्वेज सोर्स कोड होता है, ठीक है, उसको एट द सेम टाइम पूरा का पूरा जो आपका सोर्स कोड होता है उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड के अंदर। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि अगर एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो आप 20 स्टूडेंट को एट द सेम टाइम क्या करो, एकदम क्लास से बाहर कर दो, ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम कंपाइलर कहते हैं। तो आपका जो भी आपके हाई लेवल के अंदर आपको सोर्स कोड होगा ये पूरा का पूरा सोर्स कोड को, कंप्लीट सोर्स कोड को एट द सेम टाइम एट वंस मशीन कोड के अंदर जब उसको कन्वर्ट करेगा, इसको हम ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं, उसको हम कंपाइलर भी कहते हैं। तो हमारे पास सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस और जावा के अंदर या सी शार्प के अंदर आपके ऑलरेडी कंपाइलर्स होते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है जी असेंबलर। असेंबलर बेसिकली क्या करता है, कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स टू मशीन कोड। इंटरप्रेटर हमारे पास हाई लेवल जो लैंग्वेज सोर्स कोड होता है उसको मशीन कोड के अंदर ही कन्वर्ट करता है, लेकिन लाइन बाय लाइन करता है। अब इंटरप्रेटर और कंपाइलर के दरमियान मेजर डिफरेंस यही है कि जो इंटर कंपाइलर है आपका वो एट द सेम टाइम आपका पूरा सोर्स कोड को कॉपी कर देगा, ठीक है, और उसको कन्वर्ट करेगा, ठीक है, इनटू द मशीन कोड एट वंस। लेकिन जो आपका इंटरप्रेटर होता है ये क्या करता है, ये आपका लाइन बाय लाइन जाता है, ठीक है, पहले पहली लाइन जाएगी, दूसरी, सपोज अगर आपका 100 लाइन ऑफ कोड है तो सबसे पहले जो पहली लाइन है उसको देखेगा, फिर सेकंड लाइन को देखेगा, फिर तीसरी को, फिर फोर्थ को, फिर फिफ्थ को, फिर सिक्स को, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये लाइन बाय लाइन चलता है, ऐसा नहीं है कि यार फर्स्ट लाइन चल रही है तो फर्स्ट लाइन के बाद सडनली 40 लाइन आ जाए तो वो क्या करेगा, सीक्वेंस से पहले सारी लाइन को एग्जीक्यूट करेगा और तब फिर उसकी तरफ आएगा। तो हमारे पास जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो उसको सपोर्ट करती हैं जी, वो हमारे पास रूबी है और PHP है, पाइथन, ये जो लैंग्वेजेस हैं ये इंटरप्रेटर को सपोर्ट करती हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक है, वो है जी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि आपको इस चैप्टर की, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगी और इसके अलावा यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मिलेगी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली हमारे पास वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसकी मदद से हम कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और वो स्पेसिफिक टास्क होते हैं वो आपके यूजर्स की तरफ से होते हैं। हमारे पास जो इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं जी वो होती हैं, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर होता है आपके पास, बिजनेस सॉफ्टवेयर होता है, एंटरटेनमेंट होता है, एजुकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है जी है जी वो है जी प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर में हमारे पास वो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर आपके वो प्रोग्राम्स है, वो सॉफ्टवेयर होते हैं
जो कि यूज़र को क्या करते हैं, कम टाइम के अंदर उसकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं, ठीक है, और उसकी प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करते हैं। यानी कम टाइम के अंदर जो आपकी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के साथ जो आपके सॉफ्टवेयर काम करते हैं और आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं, उसको हम प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास आती है जी, आपने देखा होगा एमएस वर्ड, वर्ड पैड, ये नोट पैड, ये जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं, ये इसकी इंपॉर्टेंट टाइप है। इसके अलावा अगर आपने डेटाबेस के साथ काम, डेटाबेस में काम किया हुआ है, जैसे ओरेकल है आपके पास, आपका एमएस एक्सेस है, तो इसके अंदर जब आप काम करते हैं तो ये आपकी बेसिकली डेटाबेस जो है सॉफ्टवेयर होते हैं, ये भी प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर ही होते हैं। इसके अलावा स्प्रेडशीट आपने देखा, ये एक्सेल है आपके पास, लोटस है, सो दीज आपकी जो गूगल शीट्स है ऑनलाइन, तो ये तमाम जो शीट्स होती हैं ये आपकी स्प्रेडशीट्स होती हैं, और इसको ये भी प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर की एक टाइप है। इसके अलावा मल्टीमीडिया जी, आप मीडिया प्लेयर है, इसके ऊपर आप कोई भी वीडियो प्ले करें या ऑडियो प्ले करें, इसको हम मल्टीमीडिया सर्व सॉफ्टवेयर कहते हैं, और ये भी प्रोडक्टिविटी की ही एक टाइप है। एमएस पावर पॉइंट जो आपके पास प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसको आप पीपीटी भी कहते हो, और ये भी प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर की एक इम्पॉर्टेंट टाइप है। नेक्स्ट वन है जी हमारे पास हुआ जी बिजनेस सॉफ्टवेयर। बिजनेस सॉफ्टवेयर आपके पास जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज के अंदर आपके सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, उसको हम बिजनेस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हमारे पास है जी बुक कीपिंग सॉफ्टवेयर है, आपके पास अकाउंटिंग पैकेजेस हैं, आपके पास पर्सनल फाइनेंस जो सॉफ्टवेयर होते हैं, दीज आर ऑल बिजनेस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट वन वी हैव इज एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर बेसिकली यूज होते हैं जी आपकी रिक्रिएशन और अम्यूजमेंट पर्पजेज के लिए, ठीक है, और इसकी जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास जी वो हैं जी वीडियो गेम्स हैं, ऑडियो वीडियो प्लेयर्स हैं, और मूवी मेकर्स हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में नेक्स्ट हमारे पास आता है जी, वो आता है जी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपके क्या हैं, जो आपके इजीली अवेलेबल हैं ऑन द इंटरनेट, इसमें आप क्या कर सकते हो, सोर्स कोड को चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, उसके अंदर फर्दर चेंजेस ला सकते हो, और उसको फर्दर इन्हेंस इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है, बेस्ड ऑन यूर जो अभी आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, उसके मुताबिक आप उसको डाउनलोड करके फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप इसके अंदर एडिटिंग करते हो और फिर उसको आप स्टडी आउट करते हो, ठीक है। और इसके में जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं जी वो लिनक्स है, अपाची है, ओपन सोर्स फायरफॉक्स, ये तमाम तरह हमारे पास जो सॉफ्टवेयर हैं दीज आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हमारे पास है जी वो जी शेयरवेयर। अब शेयरवेयर आपके क्या है, शेयरवेयर आपका ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आपको लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको जो है ये सॉफ्टवेयर दिया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि आपको कोई भी जब आप इंटरनेट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो वो आपको 30 डेज ट्रायल के लिए देते हैं, तो 30 डेज ट्रायल का मतलब ये कि आप उसको 30 डेज के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे ही आपके 30 डेज कम्प्लीट होते हैं तो वो आपका वो जो सॉफ्टवेयर है वो काम करना छोड़ देता है, ठीक है, तो वो फिर आपको ऑप्शन आ जाता है कि आप ऐसे करें कि आप इसको लाइसेंस खरीदें, ठीक है, इसको उनको पे करें ताकि वो आपको उसका कम्प्लीट वर्जन आपको भेजें। सो जैसे ही आपको ट्रायल पीरियड ख़त्म हो जाता है तो ये शेयरवेयर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये आपके जो है वो चलना बंद हो जाते हैं, तब तक जब तक आप लाइसेंस खरीदने नहीं लेते। नेक्स्ट वन जो हमारे पास है वो ये फ्रीवेयर। अब फ्रीवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हम इजीली दैट इज इजीली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, इसका सोर्स कोड नहीं होता, ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है, ओपनली कि आप इसको डाउनलोड करें यूज़ करें, इसके अंदर आपको सोर्स कोड नहीं प्रोवाइड किया जाता ताकि आप उसके अंदर आप एडिटिंग कर सकें या इसको फर्दर इम्प्रूव कर सकें, तो ये फ्रीवेयर के अंदर नहीं होता। इसकी सर्टन रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो जी, ये आप इस सॉफ्टवेयर को सपोज सिर्फ कमर्शियल पर्पज के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। सो ये इस तरह की रिस्ट्रिक्शन अक्सर फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर के ऊपर आती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, चैप्टर वन ऑफ कंप्यूटर साइंस क्लास 9th। मैंने क्या किया कि मैंने जो डिफरेंट आपके टॉपिक्स हैं उनको चंक्स के अंदर डिवाइड किया है, एंड आई हैव डिवाइडेड दोज टॉपिक्स इन चंक्स बिकॉज इट्स अ वेरी लार्ज, इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक चैप्टर। तो हमने क्या किया कि उसको फर्दर डिवाइड किया चंक्स के अंदर, जो ईच चंक्स हैं, ईच सब टॉपिक्स हैं दैट आर कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन्ड इन, एंड यू कैन फाइंड दोज वीडियोज इन माई यूट्यूब चैनल एंड एज वेल एज इन डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस लेक्चर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर इट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन, मैं वहाँ पर आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूँगा। और इसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो यू मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन
so that you can get more and more videos regarding the world of computer science. So that's all for today, students. I hope you like this video. Take care and